उप निरीक्षक प्रियंका शुक्ला ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को दी गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी। शहर के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चियों के प्रति हो रहे अपराध को देखते हुए देहात थाना पुलिस ने आज स्कूल में पहुंचकर छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया। देहात थाने में पदस्थ उप निरीक्षक प्रियंका शुक्ला ने बताया कि बच्चियों के प्रति हो रहे अपराध के चलते आज हमारी टीम आदर्श नगर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंची, जहां छात्रों को अपराध के प्रति जागरूक किया, साथ ही शॉर्ट मूवी कर उन्हें अपराध के प्रति जागरूक किया। गुड टच बैड टच के बारे में भी समझाया गया और उन्हें अपराध होने पर सामने आने को कहा। उप निरीक्षक प्रियंका शुक्ला ने बताया कि बच्चियों को मालूम भी नहीं रहता कि उनके साथ अपराध हो रहा है, ऐसे में उन्हें जागरूक रहने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज कार्यक्रम रखा गया था, इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा के संबंध में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो लड़कियां बच्चियां रहती हैं उनके साथ अक्सर क्राइम हो जाता है और कई छोटी बच्चियां रहती हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्राइम हो रहा है। तो उस संबंध में हमने एक कोमल मूवी दिखाई थी, जिसमें गुड टच बैड टच के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कार्टून उसमें दिया है, तो बच्चों ने इंटरेस्ट लेके देखा भी। प्लस उसके संबंध में प्रश्न उत्तरी सेशन रखा गया, तो उन्होंने पूछा बताया। प्लस इसके अलावा सोशल मीडिया पर आजकल जो यूथ है वो आ रहा है, बच्चे हैं सोशल मीडिया यूज़ करते, तो उसके संबंध में क्या हमको सेफ्टी रखनी है, क्या हमको प्राइवेसी रखनी है, कैसे हमारे साथ कोई क्राइम होता है तो हम उसको कैसे डील करें, कैसे हम उस डेटा को रखें जिससे उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकते हैं जिसने हमारे साथ कोई आपराधिक गतिविधि की है। तो हमने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि सोशल मीडिया आज के बच्चों की पहली चाहत है। उस वजह से मेरे द्वारा मैसेज ये है कि लड़कियों बच्चियों को कभी किसी से डरना नहीं है, प्लस आप हिम्मत दिखाएंगे तो आपके साथ कई लोग खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, प्रशासन है, जो हिम्मत दिखा के उस व्यक्ति का जो आपके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है या अपराध कर रहा है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो करेंगे, इस बात का मैसेज अच्छा पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले ये कि इनको करेज दिखाना है, तो मेरा कहना यही रहेगा कि लड़कियाँ बच्चे डरे नहीं, करेज के साथ सामने आए, फ्रंट फुट पर आए और हम उनके साथ। फिर भी आपको वो बात करने के लिए मजबूर करता है, तो कुछ भी समस्या होती है, वो कोई भी समस्या जो आपको ठीक नहीं लग रही, जो आपको लग रही कि हाँ ये तो मेरे को टॉर्चर कर रहा है, तो उसमें किसी भी समस्या में या तो आप हमको बता सकते हो, आपके माँ बाप को बता सकते हो, स्कूल में शिक्षकों को बता सकते हो, मैम वगैरह, या फिर अगर किसी को नहीं बताना चाह रहे तो अपने दोस्तों से शेयर करूँगा, ठीक है, कुछ ग्रुप बना के एक साथ चले जाओ, तो कुछ ज़्यादा ईजी रहता है। मैं आपको जिम्मेदारी दे रही हूँ, इनके जो क्लास टीचर हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें इनके पेरेंट्स हैं, और 15 या 20 दिन में कोई लेडी जो टीचर है वो काउंसलिंग करेगी कि ऐसी कोई समस्या जो आपने हमको बताई या इस प्रकार की कोई समस्या होगी तो वो उनको बताएंगे।